हे एवरीवन, आज आपके लिए एकदम ज़्यादा मज़ेदार से फ़िश करी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। बिना देरी किए चले जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, इसको बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़े से कड़ी पत्तों को डाल लिया है और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ एक छोटे चम्मच जितने ज़ीरे को। अभी इन दोनों को थोड़ी देर के लिए, बस एक मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर सॉट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मैंने डाल लिया है दो बड़े चम्मच जितने धनिया को। अभी इसको भी हमें भूनना पड़ेगा बस एक से दो मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने पांच सूखी लाल मिर्च को डाल लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पर मिर्च ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और उसके बाद एक छोटे चम्मच जितने मेथी दानों को भी मैंने इसमें डाल लिया है। अभी सारी चीज़ों को इसी तरह से इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने तक भून लीजिए। लगभग एक से दो मिनट के लिए आप इसको भून लेंगे तो बस काफ़ी होगा। और उसके बाद स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसको बस थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। और उसके बाद इसका हमें एक पाउडर बनाना होगा, जिसके लिए मैंने इन सारे चीज़ों को मिक्सर जार में डाल लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर इसका एक बढ़िया सा पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद इसमें मैंने डाल लिया है 25 से 30 लहसुन की कलियों को। यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियों के छिलके को निकाल कर इसमें डाल लिया है। और उसके बाद इसमें हमें दो चम्मच जितने नारियल के, सूखे नारियल के भूरे को डालना होगा। और उसके बाद इसमें मैंने तीन मीडियम साइज़ के टमाटर को लेकर इस तरह से रफली चॉप करके डाल लिया है। अभी इसका बढ़िया से इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए और उसको साइड में रख लीजिए। और यहाँ पर 50 ग्राम जितने इमली को लेकर आधे घंटे पहले भीगने के लिए रख लिया था, अभी उसका पल्प निकाल के साइड में रख लीजिए। और उसके बाद स्टोव पर मैंने पैन को रख लिया है, जिसमें मैंने डाल लिया है दो बड़े चम्मच जितने तेल को। तेल के गर्म होने के बाद हमें इसमें डालना होगा थोड़े से राई दानों को। और राई के दानों के छटकने के बाद इसमें डाल दीजिए प्याज को। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, उसको डाल लिया है। और उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च को भी मैंने बस टू पीसेस में करके इसमें डाल लिया है। और उसके बाद हमें इसमें थोड़े से कड़ी पत्तों को भी डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे प्याज का कलर गोल्डन कलर होने तक हमें इसको पकाना होगा। बस एक से दो मिनट के लिए आप पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, तो हमारी प्याज जो है वो कलर चेंज हो जाएगी इस तरह से। और उसके बाद जो पेस्ट हमने ग्राइंड करके रखा था, उस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है। पेस्ट को डालने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। और उसके बाद इस जो भी मसालों को हमने डाला है उसकी रॉस मिल जाने तक हमें इसको भूनना पड़ेगा। तो उसके पहले मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको अच्छे से भून लिया था मसालों को। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको लगातार हिलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए भून लिया है। और उसके बाद जो इमली का पल्प हमने निकाल के रखा था उसको मैंने डाल लिया है। तो इमली के पल्प में मैंने दो कप जितने पानी को डालकर इस तरह से निकाल लिया था और उसको इसमें मैंने डाल दिया है। अभी इस पानी में उबाल आने दीजिए। जब हमारा पानी इस तरह से उबल रहा होगा तब इसमें हमें फ़िश के पीसेस को डालना होगा। तो फ़िश के पीसेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद इसमें मैंने डाल लिया है इनको। अभी हमें बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको इसको हिलाना होगा तो बस बर्तन को ही थोड़ा सा हिलाते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट तक आप जब इसको पका लेंगे तो हमारे फ़िश के पीसेस भी अच्छे से पक जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से ग्रेवी गाढ़ी होने के बाद ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, आप अकॉर्डिंग रख लीजिए। और उसके बाद फाइनली थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिया को डालकर इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होगी। आप भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा आपका फीडबैक जो है वो कमेंट के जरिए हमें बता दीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करके और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।